हाय एवरीवन, आज हम गेहूं के आटे से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, अंदर की स्टफिंग दिखाते हैं। देखिए इस तरह से सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। अब चलिए मज़ेदार नाश्ता को कैसे बनाना है देखते हैं। सबसे पहले डो लगाएंगे, एक बाउल ले लिया है, एक कप गेहूँ का आटा ले लेंगे, 2 चम्मच घी मिलाएंगे, घी के जगह ऑयल भी मिला सकते हो, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी अजवाइन। अब इनको हम मिक्स करेंगे, अजवाइन डालने से नाश्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगा लेंगे, जिस तरह से हम पूरी के लिए डो लगाते हैं उसी तरह से लगाना है। डो लगा लिया है, अब इसको 5 मिनट रेस्ट पर रखेंगे, तब तक इसके लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। 2 बॉयल आलू ले लिया है, छिलका हटा के आलू को हम ग्रेट करके ले लेंगे। आलू को ग्रेट करके ले लिया है, 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, 1 हरी मिर्च, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ी सी जीरा पाउडर। सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मसाला थोड़ा सा कम ही रखा है। अगर आपको स्पाइसी खाना है तो मसाले की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। मिक्स कर लिया है, स्टफिंग हमारी रेडी है, अब इसको साइड में रख लेंगे। अब हम डो को चेक करेंगे, डो भी हमारी सेट हो गई है। प्लेटफॉर्म के ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, कुछ सेकंड के लिए मसल के चिकना करके ले लेंगे। चिकना करके ले लिया है, 2 हिस्से में बांट लेंगे, 1 हिस्सा ले लेंगे गोला करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेंगे। अब हम बेलेंगे, मिट्टी के आकार से थोड़ा बड़ा बेलेंगे। देखिए बेल लिया है, इसी तरह से बेल के लेना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। एक ढक्कन ले लिया है, इस तरह से हम कट लगा लेंगे। इसको हम दोबारा बना लेंगे, चारों तरफ हम पानी लगाएंगे, पानी लगाने से स्टफिंग हमारी निकलेगी ना। 1 चम्मच स्टफिंग हम बीच में रख लेंगे, इस तरह से सेट करेंगे, बीच में ही रखना है, किनारे पे नहीं रखना। अब इस तरह से हम बंद करेंगे और इसको दबा लेंगे अच्छी तरह से, ताकि की स्टफिंग हमारी निकले ना। अच्छी तरह से बंद करेंगे, देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी नाश्ता को बना के रेडी कर लिया है, अब हम गैस पे चलेंगे। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है, अब नाश्ता को डालेंगे। ऑयल को एक साथ ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म करना है। डाल दिया है, एक साइड सेकने देंगे गैस का पहले मीडियम करके। एक साइड सिक गई है, ऊपर आ गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए इधर कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे। फिर से पलट लेंगे, देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अलग पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही हमें सेकना है, तभी जो हमारी नाश्ता है क्रिस्पी ज़्यादा बनेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 10 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में अचानक मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हो। अगर रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो भी बना सकते हो, सबको पसंद आएंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे, और बाजार की समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर बना के खिलाइए सबको। नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है, अब हम निकाल लेंगे। पास से दिखा रही कितनी बढ़िया बनी है, इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, कितनी बढ़िया बनी है, देखिए बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता है। इस तरह से सॉस के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपकी मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसार नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।